सो हाय आंटी, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। पहले तो ये बताइए कि बिग बॉस के अंदर मधुरिमा है, आपको कैसा लग रहा है उनको देख करके वहाँ पर? अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा था क्योंकि नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, लेकिन परसों से जब ये न्यूज़ आने लगी तो तब मुझे थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उसको मैं ही बहुत जिद करके भेजी थी कि जाओ, जाना चाहिए इसमें। और पर अब वही है कि वो खल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना, स्ट्रांगली इसका मुकाबला करना तो पड़ेगा ही, जो मधुरिमा ने गलती की है तो। और मैं तो पूरी तैयार थी जाने के लिए कि दोनों को समझाऊंगी, क्योंकि विशाल से भी मुझे कुछ हो नहीं है और मधुरिमा तो बेटी है मेरी, तो उससे क्यों होगा। तो मैं दोनों को ही जाके अंदर समझाने वाली थी कि तुम लोग अलग रहो, अलग रह के खेलो, साथ मत रहो, साथ में जब इतनी लड़ाई हो रही है तो तुम लोग को साथ में ही रहना चाहिए। और जब स्टार्टिंग में मधुरिमा अंदर घुसी थी तो यही मोटो लेके चली थी कि साथ नहीं रहेंगे, हम अलग ही रहेंगे, और जो एपिसोड भी था वैसे ही था कि हाँ वो सब। तो अभी मुझे थोड़ा दुख हो रहा है और बहुत ये लोग, ये दोनों का ही सबसे बड़ा कमी क्या है कि सोचते नहीं है कि घर के बाहर जो फैमिली है वो कितनी अफेक्ट हो रही होगी। ये लोग तो, हालांकि मैं कल रात भी सोई नहीं, मैं परसों रात भी सोई नहीं, और फिर कल से तो जो पिंजरे के अंदर देखा मैंने दोनों को तो मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। और फिर मैं विशाल को देख के भी दुखी हो रही थी कि उसको भी मार लगी है, तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि सच में वो भी बच्चा है और उसके उसकी मम्मी पे भी क्या बीत रही होगी बच्चा। और हम लोग जाके सारे लोग फैमिली जाके उन लोगों को गले लगा रही है सब अपने बच्चों को, और हम मैं अंदर जाके गले नहीं लगा पाई, तो इसका भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। मधुरिमा, क्योंकि आपकी बेटी है, आप उनको बहुत अच्छे से जानती हैं। हमने जितना जाना उनको, हमें लगा कि वो उनका एंगर इशू है थोड़ा। आपको ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल लाइफ में भी उनको गुस्सा जल्दी जल्दी आ जाता है? थोड़ा बहुत गुस्सा, ये क्या होता है कि जो फैमिली का भी होता है, फैमिली जो होती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक से दूसरे में जैसे आता है, हेरिडिटीज होता है, तो थोड़ा बहुत है ऐसा, पर इतना भी नहीं कि वो ऐसे हाथ उठाए। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपको, अगर कोई खड़ा है और उसको कहे इस पर तो मैं थूकूंगा भी नहीं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है, थूकूंगा भी नहीं। फिर कल भी जब वो सिद्धार्थ बोला कि तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर थूको, तो वो बोला कि शीट पे मैं नहीं थूकता। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आदमी बोलेगा, उस दिन भी उनको उनके खाने को लेकर वो यही गंदा बोल रहा था, शीट क्या खा रहे हो, ये तो वैसा है। तो रश्मि उसको बोले जा रही है कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब बोले जाते, बिग बॉस तक कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन आखिर एक लिमिट होती है। और मैं इस बात का तो कभी वो नहीं करूँगी कि हाथ चला लो, लेकिन जो आक्रोश है ना वो कहीं ना कहीं निकलता है। इस चक्कर में आदमी अपने को भी कुछ कर सकता है, तो ये दोनों ही बातें हो सकती है। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए, आप मैच्योर हो आप लोग, और आप लोगों को पता होना चाहिए बाहर फैमिली है, तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कोई इस तरह का कदम उठा सके कि अपने को नुकसान पहुँचा दे या तुम लोगों को दूसरे को नुकसान पहुँचा दे। बहुत समय से दोनों एक दूसरे के साथ हैं और नजम अली में भी हमने उतार चढ़ाव देखे उनके रिश्ते में, लेकिन जब विशाल पहले से अंदर थे और जब मधुरिमा को ये ऑफर आया, तो क्या आप लोगों को लगा कि उनका जाना सही है या नहीं सही है, अंदर जाके कुछ भी हो सकता है? नहीं, वही मैंने कहा, लेकिन ऐसा भी प्रेम क्या कि कुछ भी हो सकता है, मतलब आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हो और मैं देखी हूँ कि इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो एक हो जाते हैं। माना किसी डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को एक जोड़ी पसंद है, उनसे काम कराना है, तो आप अपना ये देखोगे कि हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारा अच्छा चल रहा है, या आप अपना फालतू का लड़ाई देखोगे? भाई जो आपका क्षेत्र है, आपका जो काम है, अभी यहीं पर क्या, जो नॉर्मली भी जैसे ऑफिस में रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो आदमी जो ऑफिस में अपने बॉस से बना के चलता है कि भाई मेरा काम यही है, और सारे जो लेडीज़ होती है, सारे जो होते हैं ऑफिस में जो होते हैं काम करने वाले, वो एक दूसरे से बना के चलते हैं, तो वैसे इनका भी कार्य क्षेत्र ये है, तो इसमें ही ये लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो इनके ही इनके लिए ही हार्मफुल है, इनके लिए ही ख़राब है। अगर आपको लग रहा था बीच में इन दोनों की काफ़ी पट भी रही थी, दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छा एक बॉन्डिंग दिख रही थी, आपको लगा अगर इन दोनों का सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम इनके रिश्ते को एक और वो कहते ना कि ओके करेंगे कि चलो एक बार हम और ट्राई करते हैं इन दोनों के लिए? हाँ, वो तो मैं पहले भी बोली हूँ कि हाँ ठीक है, अगर अच्छा से रहते हैं और जो इनका निर्णय होगा मधुरिमा का, हम उसके निर्णय के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। और लेकिन आज जो मतलब दिख रहा है जो ऐसे कि, तो मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को साथ होना ही नहीं चाहिए था,
और बिग बॉस में असल में मैंने ही जीत करके भेजा कि नहीं तुम जाओ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आदमी बहुत कुछ सीखता है। घर में रह के आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहता है, कुछ सीख नहीं पाता है। एक तरह से ठीक है, सीखा है उन्होंने और ये एक पार्ट हो गया है लाइफ का। और बिग बॉस में गए तो ऐसी घटनाएँ होती हैं, पर यह है कि इतना ज़्यादा जो मारना वो सब बिल्कुल सही नहीं है, उसको मैं बिल्कुल भी सही नहीं बोलती हूँ। और अपने पे कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा, भले ही अपने को थोड़ा मार पीट लो कुछ करो, लेकिन दूसरे पे हाथ मत उठाओ। तो यही है कि अभी शायद मैं नहीं सोच सकती हूँ कि वो लोग अभी एक हो गए, और ना मैं अब परमिशन दूँगी, अब मैं ही परमिशन नहीं दूँगी। जब घर में वो गई थी स्टार्टिंग में काफ़ी कम दिख रही थी, जैसा कि लोगों ने भी बोला कि वो नहीं दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। अब जब वो दिख रही हैं तो उनका एक एंगर वाला वो भी दिख रहा है, एक उनका लव वाला रूप भी हम लोगों ने देखा कि उनका अफेक्शन टुवर्ड्स विशाल। लेकिन अब जाकर के थोड़ा वो जो भी दिखना शुरू हुई है, मैक्सिमम पार्ट हमने उनका गुस्सा देखा है, उनका चिड़चिड़ापन देखा है। तो आपको लगता है कि ये घर का माहौल की वजह से हो रहा है या विशाल का? बिल्कुल बिल्कुल, घर के माहौल की वजह से हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जो हुआ था तो सामने वाला ही उसे चिढ़ाया, सामने वाला ही वो किया कि मतलब बोले जा रहे थूकता भी नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे आई, फूट फूट फूट, निकल 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 निकल, मैं मेरे को अगर बोलेगा तो मैं तो शायद वहीं बेहोश हो जाऊँगी और वहीं हो जाऊँगी। वो फिर भी इतना झेल गई और झेल रही है। तो मैं और फिर सबसे बड़ी बात कि थोड़ा सा वो भी दिखा रहे हैं कि जैसे काम नहीं कर रही है, लेकिन जब वो इतने इतने बर्तन मांज रही, इतना बड़ा परिवार है, पहले 12 या 13 लोग थे, उन सब का बर्तन उसने इतना बड़ा, तो जो अच्छा चीज़ है वो छुप जा रहा है कि बर्तन मांजे जा रही है, कि देखो मधुरिमा बर्तन मांज रही है और कर रही है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है। लेकिन जो बीच में उसने इस इतने महीनों में 3 बार उसने शायद बोला है कि नहीं आज मैं बर्तन, वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ज़्यादा हो गया। और फिर जो उसने थोड़ा जो प्यार कर रही है, जो उसने बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो सलमान खान ने कहा कि मैंने देखा है वो लड़की प्यार भी करती है, सना जब रो रही थी जाके उसने सना को प्यार किया, रश्मि को प्यार किया, उसके अंदर इतना प्यार है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो सब विशाल को भी क्यों वो चिढ़ा हुआ बैठा है, मुँह उसका विशाल कैसा बना, वो प्यार किया जा रही, तो वो मुझे तो इतना ख़राब लग रहा था कि क्यों कर रही है। जब विशाल ऐसे बैठा हुआ नहीं ऐसे, अरे भैया कोई प्यार कर रहा है तो उसी समय वो करो, आप सपोर्ट करो, ठीक है वो जब आपके गाल पैसे करो तब तो नहीं लड़ाई होती है, और फिर थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ऐसे करेंगे। मैं विशाल और मधुरिमा दोनों सेम कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले इतना चढ़ाने के बाद अगर कोई परेशान हो के वो कर देता है तो भाई अब क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से हाँ, कोई कम नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, दोनों एक फिर बोलने पहले शुरू हो के, लेकिन बाद में मधुरिमा भी सेम कर रही है। तो मैं कह रही हूँ सेम करने की जरूरत क्या है, और आप बार बार बिग बॉस के पास जाते हो कि बिग बॉस मुझे जाना है, मुझे जाना है। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन एंटर किया था मधुरिमा ने, उस दिन भी बिग बॉस के दरवाजे पे खड़ा हो गया था कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था कि मधुरिमा नहीं आएगी तो क्या आए, ये मेरे समझ में नहीं आया, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा जाता है, मुझे नहीं समझ आती ये बात। बार बार तो, जाना है, हाँ, जाना है जाना है जाना है, कल भी जाना है जाना बोल रहा था, लेकिन फिर सबके समझाने से रुक गया। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जाने के बाद हमको कितना दंड पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, क्या है वो सब कुछ पता होना चाहिए। हम अपने माँ बाप का तो ख्याल रखें, जो बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं बाहर, आपके जो मधुरिमा के माँ बाप हमें उसके माँ बाप होंगे जहाँ पर होंगे, तो कितना टॉर्चर हो रहे होंगे सब। मैं तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाई, आज जाके मैं कुछ खाना खाई हूँ, इतना मुझे तकलीफ थी और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं बिग बॉस के अंदर जाके सारे वो नहीं कर सकी। मधुरिमा के सोने के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं कि वो बहुत सो रही हैं, या कई बार कुकड़ू बहुत ज़्यादा बजा है उनकी वजह से, या जब सना कैप्टन थी तब भी उन्होंने काम करने से मना कर दिया था, या नहीं सना ने सना क्या है कि साथ भी देती है उसका, लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी करती है, ओवर कर देती है। उस दिन सब सो रहे थे और कभी कोई सो रहा था कभी कोई सो रहा था, लेकिन वो सिर्फ मधुरिमा के पास ही जा रही थी और मधुरिमा को ही उठा रही थी। तो उस दिन ये था, और सोती है तो घर में भी है, वो सोने का तो उसका घर में भी है, और लेकिन वहाँ पर वो इतना भी नहीं सबके साथ उठ के बैठ जा रही थी, लेकिन उसका थोड़ा ज़्यादा दिखा दे रहे थे, पर जो स्लीपिंग ब्यूटी बोल रहे थे वो भी सही नाम दिया था, हाँ गलत नहीं था। सिद्धार्थ के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, वो काफ़ी क्यूट एंगल क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, वो पोर्शन थोड़ा हल्का फुल्का और लाइटफुल लग रहा है देखने में। नहीं मुझे बहुत सिद्धार्थ का मुझे ये अच्छा लगता है कि वो सना को रेस्पेक्ट करता है, कितना भी बोल ले वो, कितना भी तंग कर दे, तो ऐसे बस एक ही दिन उसने जो हाथ मोड़ा था नीचे, वो भी मेरे को लगता है कि उसको ध्यान होगा कि वो कम मोड़ रहा है, लेकिन दूर से वो दिखा था कि बहुत ज़्यादा वो कर रहा है।
तो ये जो है ना कि अपने आप जो साथ है आपके हमेशा उसके आप रिस्पेक्ट करो। और सना का भी मैं क्या देखती हूँ कि उसका सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि जब उसको जो चीज़ गलत बतानी होती है ना वो बता देती है, चाहे सिद्धार्थ जितना भी फिर बोले। जैसे कल वो मधुरिमा के लिए बोल रही थी, रश्मि बोली कि तुम गलत कर रही हो, हाँ, लेकिन उसने सपोर्ट किया और सही पहचाना। और बाद में बिग बॉस भी वही बात बोले जो सना ने बोली। तो ये उसका जज्बेन करने का जो है ना, हालांकि बच्चों जैसी हरकत भी वो कभी कभी कर लेती है और बच्चों जैसा वो कर लेती है, लेकिन उसका है। रश्मि ने भी शुरू से मधुरिमा का साथ दिया और सिद्धार्थ का इसी उससे वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, जो उसका पार्ट है एक एक जो लड़की उसकी बहुत छोटी है उससे वो, और उसको इतना इज्जत देता है कि जैसे उससे बड़ी है, और तो बहुत सपोर्ट करता वो, ये पार्ट उसका बहुत अच्छा है कि आप मधुरिमा के साथ भी बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं। हाँ, वो पार्ट भी बहुत क्यूट ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हालांकि फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था तो तब मधुरिमा बोलने लगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया वो पार्ट। और वही सब मैं अंदर समझाने वाली थी कि जब ऐसे कोई मजाक करता है तो उसके साथ मजाक ही करो, जब कोई ज़रूरी नहीं कि उसे वो करो। तो बहुत अच्छा सिद्धार्थ, बहुत अच्छा। अभी भी जैसे वो खाली नहीं बैठता है, आसिम का क्या है कि वो खाली बैठ जाता है, वो थोड़ा गंभीर टाइप का है, थोड़ा अलग टाइप का, तो इसके लिए उसको वो ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन सिद्धार्थ क्या है, खाली नहीं बैठ पाता है, उसको कुछ ना कुछ करना है, चाहे कुछ भी करे, चाहे खिड़की से देखे, वो दरवाजे से देखे कौन क्या अंदर कर रहा है, तो उसका ये नेचर है जो उसको लाइव रखता है। बिल्कुल, हाँ। आंटी, जब छपाक की टीम आई थी अंदर, जब दीपिका आई थी, तो सबसे कहा गया था कि आप अपनी अपनी चीज़ें जो बीती है वो बताओ। तो मधुरिमा ने शेयर किया था कि मोलेस्ट किया गया था उनको एक टाइम पे, तो आप कुछ कहना चाहेंगी उसके ऊपर? हाँ, वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक था वो, और हम अक्सर नहीं बोल पाते हैं, तो इतना बड़ा जो मिला था उसके लिए मैं आरती को भी कहूँगी कि आरती ने एक बड़ा कदम उठाया और बोली तो बहुत अच्छा की। उस समय देखा कि सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़के भी ये हो जाते हैं, वो विशाल के, हाँ, तो ये देखा मैंने, तो ये बहुत ही बड़ा था जो कि थोड़ा बहुत हल्केपन में चला गया और ये ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाया। और छपाक की जो टीम थी, जो एसिड अटैक है, वो बहुत एक बहुत ही बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज था। और मधुरिमा की घटना तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सचमुच ऐसे हुआ था, और बल्कि मैं अब मुझे फ़ोन आया था, मैं तब तक पढ़ी भी नहीं थी कि न्यूज़ में ये चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप बताइए तो क्या हुआ था मधुरिमा के साथ, उनको लगा होगा कुछ ऐसे कह रही है वो। तो जब मैंने बताया तब बोले हाँ ये न्यूज़ में हमको किसी ने भेजा कि मधुरिमा ऐसे बोल रही है। मैंने कहा ये घटना हुई थी उड़ीसा पारादीप में, और तब मैंने वो ट्यूशन हटा दिया था। तो जब आपको उन्होंने बताया था तब आपने कैसे रिएक्ट किया था उन उस ट्यूटर के ऊपर आपने? नहीं, वो तो हाँ, वो शुरू में जब वो छोटी थी तो 11-12 साल की रही होगी, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे कुछ टाइम नहीं मिल पाता था, मैं घर में भी बहुत काम हो जाते थे, हस्बैंड टाटा में थे तो टाटा में थोड़ा सा बहुत बिजी हो जाता है, तो बिजी शेड्यूल हो जाता है, तो फिर मैंने रख लिया था वो, क्योंकि वो स्कूल में टीचर थे उनके बेथानी कॉन्वेंट में। तो मैंने कहा ठीक है आप सर, कि बोले सर मैं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप दोनों बच्चों को पढ़ा लो आप। तो उसके बाद वो जो बैठी रहती थी, तो सर क्या करते थे कि श्रीकांत को थोड़ा साइड करके मेरे बेटे को उसको इस अपनी साइड बिठा लेते थे, और फिर चिकोटी काटना, ये करना, ऐसे उसको करते थे। तो ये 2-3 बार मेरे पास आई, रोते हुए आई, तो मेरे को समझ भी नहीं आया, तो बोली भी नहीं हो शायद, एक मैंने तब तो कुछ नहीं बोली हो, लेकिन बाद बोली मम्मी सर ऐसे करते हैं, सर मुझे चिकोटी काटते हैं, ये करते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि ये मतलब क्या अजीब बात बोल रही है। हालांकि हर लड़की के साथ मैं सोचती हूँ कि 90% लड़कियों के साथ ऐसे होता होगा, ये तो पक्की बात है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सर ऐसे दिखते नहीं थे बिल्कुल भी। तो फिर फिर एक दिन तो बहुत रोने लगी, उसके यहाँ पे पूरा लाल हो रखा था, और वो उसको बेटे को पानी लेने के बहाने बाहर भेजते थे, तो उसका यहाँ छूना, ऐसे करना, इस तरह से करते थे। लेकिन बाद में मुझे बिलीव हो गया कि हाँ ऐसे करते, क्योंकि छोटी सी मधुरिमा थोड़ा बहुत साई नेचर की थी। वो आपको बिलीव नहीं होगा कि स्कूल में हमको हजारों बार बुलाया जाता था कि आपकी बेटी बोलती नहीं है, तो उसके साथ इतना ज़्यादा भी जो हुआ है, तो हो सकता है कि वो सप्रेस हुआ हो ब्रेन में, इसलिए आज उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आज वो ऐसा कर रही है, लेकिन वो बहुत ही दूसरे नेचर की थी, वो सबका मदद करना ही करना। तो फिर मैंने उस टीचर को, अपने हस्बैंड को कहा मिस्टर तुली को, फिर हमने उनको हटा दिया। उसके कुछ टाइम बाद ही हम लोग देहरादून चले गए, तो वहाँ पर तो उसने स्पोर्ट्स में भी, वहाँ पर क्रिकेट की थी, प्लेयर थी, फिर उसके बाद सब कुछ मतलब ऑलराउंडर लड़की थी। उसके कॉलेज में अभी तक भी मार्शल स्कूल का भी इंटरव्यू आया था, पूरा मार्शल स्कूल का, उसका नाम लिया जाता है वहाँ पे अभी भी। अच्छा आंटी, आपको लगता है घर में कौन आज की डेट में सबसे अच्छा दोस्त है उनका और सच्चा दोस्त है?
अभी अभी जितने कम लोग रह गए हैं तो उसमें दोस्त कोई किसी का नहीं हो सकता है, कब कहाँ पर कोई पलटी खा जाए कुछ समझ नहीं आता है कि ये मेरे को लगता है कि दोनों तो अच्छे दोस्त रहेंगे सना और सिद्धार्थ आपस में, उनका जो बाउंडिंग है वो हमें, पर बाकी लोग एक दूसरे का कोई दोस्त नहीं रह सकता है। हाँ, सना को रश्मि ने भी पूरा साथ दिया है बद्रीबा का, कल थोड़ा सा उसने पता नहीं किस उस पर वो ऐसा वो कर दिया, उसको विशाल पे भी दया आ रही होगी क्योंकि जैसे मैं हूँ मैं भी विशाल को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी विशाल का, दोनों का इस बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि विशाल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, तो दोनों तो उसी तरह से उसका भी फीलिंग हो गया होगा कि भाई किसी एक का साथ कैसे दे, तो उसने मधुरिमा को प्यार भी किया सब किया। पर सना का मैं देखती हूँ कि अक्सर जब सच्ची बात होती है ना तो सच्ची बात बोलती है वो, तो उस पर एक है मुझे कि शायद वो साथ दे सकती है थोड़ा बहुत, और रश्मि भी साथ दे सकती है। टॉप थ्री में किसको देखती हैं आंटी आप? टॉप थ्री पे तो यही है, ये सिद्धार्थ, असीम और सना, यही है अभी तक। पारस मायरा के रिश्ते को लेके कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं पारस मायरा के रिश्ते को लेके मैं क्या बोलूँ, वो तो मतलब उन्होंने तो मजाक में जो चल रहे थे उसमें भी उन्होंने कुछ तरह बोल दिया। अभी उनकी मॉम भी गई थी, हाँ, गुस्सा करा कि आप आ जाएंगे शायद, उनकी मॉम अभी वो दिखा रहे हैं, तो मतलब है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो पारस उच्च पकने का, जहाँ बाहर उसकी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसने इतना समय बताया है, यही है कि लड़कों का कुछ भरोसा नहीं होता है कि कब वो जाए हो जाए क्या करते हैं, पता नहीं लड़कियाँ भी ऐसे करती होंगी, पर लड़के थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और अंदर उसको इतना वो नहीं करना चाहिए। जब आपकी बाहर गर्लफ्रेंड है, उसकी मम्मी उसके गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने भी गई थी और वो बोलती भी है कि सारे कपड़े सब कुछ मैंने चॉइस से किया, तो इतना प्यार करने वाली लड़की है, तो इन लोगों को थोड़ा इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए आपस में। आंटी, हमारे वीडियो के थ्रू फैंस देख रहे हैं आपको मधुरिमा की, आप कुछ कहना चाहेंगी उनसे? मैं तो इतना ही कहूँगी कि भाई आप बार बार दो चार बार वो एपिसोड देखिए, और फिर क्योंकि मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला जो बातें होती है वो आदमी को याद नहीं रहती, लेकिन जो हाथ चलाया वो ज़्यादा याद रह जाता है। तो देखें लोग और देखें कि कौन कौन क्या कर रहा है, और मधुरिमा पहले कर रही है या कौन पहले कर रहा है। हाँ, जो कुछ कुछ गलतियां हैं मधुरिमा की भी, लेकिन ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो उस पर ही आप निर्धारित कीजिए कि आपको वोट देना है नहीं देना है। मैं अपील नहीं करूँगी, और बिरमा फैंस तो बहुत प्यार करते हैं, तो ये दोनों का जब ऐसा हो गया तो उनको बहुत दुख होता है, तो मैं यही कहूँगी कि आप देखिए एपिसोड और तीन चार बार रिपीट करके देखिए वो वाला पोर्शन, फिर आप डिसाइड करके वोट दें। मैं बार बार मैं वोट नहीं मांग सकती हूँ, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि वो टिके और लंबा चले उस बिग बॉस हाउस में और अच्छा खेलें। और आंटी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट आंटी और मधुरिमा को भी। थैंक यू आपको भी आने के लिए।